Chucky Beats. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ MI Router 4C की अनबॉक्सिंग, सेटअप और रिव्यू। जानेंगे किस तरह से ये परफॉर्म करता है वायरलेस रिपीटर मोड में, और ये भी बताऊंगा आपको इसी के साथ कि आपको इस राउटर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग से। तो सबसे पहले हमको देखने को मिल जाता है हमारा MI Router 4C। इसको मैं रखता हूँ साइड में और अब चलते हैं हम इसके अंदर की तरफ। इसके बाद हमको देखने को मिल जाता है हमारा चार्जर जो कि राउटर को पावर करेगा। इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद हमको देखने को मिल जाती है कुछ मैनुअल्स। यही सारा बॉक्स कंटेंट हमको देखने को मिल जाता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस MI Router 4C को वायरलेस रिपीटर मोड में सेटअप करना है, क्योंकि मेनली मेरे पास एक और दूसरा राउटर था पर यहाँ पे थोड़ी सी रेंज कम आती है। तो रेंज कम आने की वजह से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि एक वायरलेस रिपीटर राउटर लिया जाए। तो इसी वजह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज का सेटअप वायरलेस रिपीटर मोड के साथ। बिना किसी देरी के चलो अब सेटअप को भी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको ऑन करना है पावर। मैं इसको पहले एक बार सेटअप कर चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से सेटअप करके आपको दिखा रहा हूँ एक बार, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। मैं अभी यूज़ कर रहा था इसको पहले की तरह, तो अभी हमको फिर से एक बार राउटर रीसेट करना पड़ेगा। पर आप अगर जब इसको नया खरीदोगे तो आपको एकदम बिना कॉन्फ़िगर हुआ राउटर ही मिलेगा। यूज़ केस सिनेरियो काफ़ी एकदम सेम होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना लो इस बात की। तो अब सबसे पहले मैं इसकी रीसेट स्विच को दबा देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ इस राउटर को, ताकि हमारा जो यूज़ केस सिनेरियो रहे वो काफ़ी हद तक सेम रहे। आप सिम इजेक्टर टूल के साथ इसको आराम से प्रेस कर सकते हो। तो मैं भी इसको कुछ इसी तरह से प्रेस कर रहा हूँ, और थोड़ी देर के लिए हमको इसको प्रेस करके रखना है। इसके पहले हमारी जो ब्लू लाइट जल रही थी वो फिर येलो हो जाएगी, ब्लिंक करने लगेगी। इसका मतलब यही है कि हमारा जो राउटर है वो अनपेयर हो चुका है, रीस्टार्ट हो चुका है। आप इसको कंप्यूटर से भी सेटअप कर सकते हो, प्रोसीजर एकदम सेम रहने वाला है। बस ये मैं आपको फ़ोन पे दिखा रहा हूँ, आप पीसी पे भी कर सकते हो। पीसी में इंटरफेस रहेगा आपका साइट का, और इसमें इंटरफेस है आपका ऐप का। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि MI Wi-Fi की एप्लीकेशन आती है जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और डाउनलोड करने के बाद फिर कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना है सेटअप अ न्यू राउटर पे। तो आप देख सकते हो कि हमारा राउटर रीसेट हो चुका है। तो इसके बाद अब हमारा राउटर शो कर रहा है, बिना सेटअप हुआ न्यू राउटर शो कर रहा है। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमको इंटरनेट मोड की सेटिंग 3 देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमारा इंटरनेट सेटिंग, सबसे पहले जो नॉर्मल सेटिंग रहती है वही रहेगी आपकी, कि आप इथरनेट केबल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। हम इसमें वायरलेस रिपीटर मोड इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम वायरलेस रिपीटर मोड पर टैप करेंगे। इसके बाद फिर ऑप्शन आ जाता है जो हमको नेटवर्क सेलेक्ट करना है, जो आप मेन सोर्स अपना रखना चाहते हो वाईफाई राउटर का, और जिसके थ्रू ये कनेक्ट होगा रेंज बढ़ाने के लिए। तो मैं अपना वाईफाई राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरा पहले से लगा हुआ है। आप भी अपना वाईफाई राउटर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये जो चेक है उसको आप अनटिक कर सकते हो, अगर आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड और एडमिन पासवर्ड अलग रखना है तो, और अगर नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, टिक रहने दीजिए। और बस सिर्फ आपको वाईफाई सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको पासवर्ड इंसर्ट कर देना है, तो आपका सारा काम ख़त्म वैसे ही हो जाएगा। और मैं इसमें अनटिक कर रखा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मेरा ये पासवर्ड है थोड़ा सा अलग रहे, तो इसी वजह से मैंने इसको अनटिक कर रखा है। तो मैं सारे न्यू नेम और जो भी सारा है वो मैं फिल कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। आपका जो नया कनेक्शन है वो रेडी होने लगेगा। जैसा ही जो भी आपने नाम रखा था वो आप मैनुअल वाईफाई की सेटिंग्स में जाके आप टैप कर सकते हो उसके ऊपर, ताकि आपका जो ताकि आप उससे कनेक्ट हो जाए। मैं थोड़ा सा मैनुअल जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं हो रहा मेरे केस में, आपके केस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बस ही आप वाईफाई की सेटिंग में चले जाइए, और उसके बाद आपका जो न्यू नेम आपने सेट किया था, और बस ही मुझको इसका पासवर्ड डाल के MI की ID होगी उसी से आपको ये राउटर पेयर करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, पर मैं जो हमारी MI की ID है उससे ये राउटर पेयर कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले मुझे साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन करने के बाद हमारा नंबर और पासवर्ड डालने के बाद ये डायरेक्ट शो करेगा कि आपका ये वाला राउटर कनेक्ट है और इससे आप डायरेक्ट पेयर कर सकते हो। तो बस ये हमको पेयर नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद हमारा राउटर पेयर हो जाएगा। तो मेनली जो स्पीड डिपेंड करेगी वो आपके मेन राउटर के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरह से वो इंटरनेट आपको सर्व कर रहा है और कितने ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ आपको दे रहा है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपका अगर सिग्नल स्ट्रेंथ वीक है तो आपको राउटर को किसी अच्छी जगह पे लगाना पड़ेगा ताकि आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाए। इस वजह से आपका जो वायरलेस रिपीटर मोड में राउटर की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं आपको वायरलेस रिपीटर मोड का टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है राउटर। तो पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेरा ये सेटअप है, यहाँ पे सेटअप पे बिल्कुल वाईफाई के सिग्नल नहीं आते, तो इसी वजह से मैंने ये वायरलेस सेटअप अपना बिल्ड करा है। यही समझ के चलो कि जो मेरा पहले वाला जो मेन मेरा राउटर है एकदम बिल्कुल यहाँ पे सिग्नल नहीं आते, तो स्पीड कुछ होने नहीं वाले पहले से ही, इसी वजह से मैंने ये राउटर लगाया था। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे स्पीड किस तरह से आ जाती है हमको। तो जैसा कि देख ही सकते हो कि जहाँ पर पहले मेरे को बिल्कुल स्पीड देखने को नहीं मिलती थी, टावर ही नहीं देखने को मिलते थे, वहाँ पे अब मेरे को 4-5 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। वायरलेस रिपीटर मोड मेनली इसी तरह पर डिपेंड करता है कि आपका जो मेन राउटर है वो कितनी स्पीड से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। जितनी ज़्यादा स्पीड आपके मेन राउटर पे होगी उससे ही ज़्यादा स्पीड आपको वायरलेस रिपीटर मोड में देखने को मिलेगी। और बात करूँ अगर इसके वायर्ड कनेक्शन की, तो वायर्ड कनेक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। सपोज़ अगर आपका 50 Mbps का नेटवर्क है तो आपको लगभग ये 45-50 Mbps की स्पीड दे देता है आराम से। 300 Mbps तक ये वाईफाई राउटर आराम से सपोर्ट कर जाता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र इसको 50 Mbps-100 Mbps ही रखने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े कॉन्स के बारे में इस राउटर के। तो सबसे पहला जो मेरे को कॉन लगा, मेनली ये 4 एंटीनास के साथ आता है, तो मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीदें थी इस राउटर से, तो बहुत ही ज़्यादा इसकी अच्छी रेंज होगी, पर ऐसा मुझको देखने को नहीं मिला ज़्यादा क्योंकि काफ़ी नॉर्मल सी ही रेंज है इसकी। मेनली अगर आप इस राउटर को काफ़ी ज़्यादा रेंज के लिए ले रहे हो तो मत लो इस राउटर को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज इसकी है नहीं। आइडिया देने के लिए बात करता हूँ इस राउटर की रेंज की। तो सपोज़ मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर पर लगा रखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर भी अच्छे नेटवर्क्स आएँ और मेरे सेकेंड फ्लोर पर भी अच्छे नेटवर्क्स आएँ, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे तो आपको 100% 4x4 सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं और स्पीड भी काफ़ी अच्छी दे देता है। पर जैसे मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता हूँ, सिग्नल्स डायरेक्ट 2 एंटीनास से कट हो जाते हैं और लगभग हमको 50% ही रेंज देखने को मिलती है। और जैसे मैं सेकेंड फ्लोर पर भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी हमको 50% ही रेंज देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ी सी उम्मीद कर रहा था कि इसके 4 एंटीनास हैं तो लगभग आपको 75% तो रेंज देखने को मिलनी चाहिए थी, पर हमको सिर्फ 50% ही रेंज देखने को मिलती है, तो ये एक थोड़ा सा मेरे को डाउनसाइड लगा इस राउटर का। बाकी अगर उसकी बात करूं तो ये जो MI Wi-Fi का ऐप दे रखा है जिसके साथ आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, तो ये ऐप थोड़ा सा बगी ऐप है, तो बहुत बड़ा कौन तो है नहीं, पर जो मेरे को सबसे बड़ा कौन ये लगा कि इसकी जो रेंज है थोड़ी सी मैं ज़्यादा इसकी रेंज एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इसके साथ 4 एंटीनास आते हैं, पर काफ़ी प्राइस के हिसाब से काफ़ी एक्सेप्टेबल रेंज है इसकी और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इस राउटर को बिल्कुल ले सकते हो, एज अ वायरलेस रिपीटर मोड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा राउटर भी आ जाएगा और एक वाईफाई एक्सटेंडर भी, आप समझ लो कि एक एज अ वाईफाई एक्सटेंडर भी काम कर सकता है।